A complete U-turn from her earlier stated position, a girl in Meerut who had alleged forced conversion and rape at the hands of a boy from another community has fully retracted her statement. The girl has also alleged pressure from her family, saying she was forced to give a wrong statement. काफी दिन से कोई भी पैसे लेके नहीं आ रहे थे नेता कोई भी तो पैसे नहीं मिल रहे थे मेरे साथ मार पिटाई हो रही थी घर में बहुत ज्यादा और जान से मारने तक की साजिश मैंने खुद को सुना था क्यों कि अब तूने ऐसे क्या कह दिया जो पैसे नहीं आ रहे हैं फिर अच्छा ये सारा जो सब कुछ हुआ है खेल ये क्यों हुआ वीरेंद्र बोला कांड जो पूरा इतना सुरसुरो बना रहा सच्चाई क्या है दीदी सच्चाई तो कोई नहीं बताऊंगे जान बचा के आई अपनी मार पिटाई कर रहे थे क्योंकि ऐसा क्या कारण रहा पैसे की वजह से अब कहाँ जाना चाहती हो तुम मुझे पुलिस एक गांव का लड़का है जी सद्दाम नाम का वो आया और उसने आके धौंस दी लड़की को सुना के या तो मेरी बात मान और नहीं तो हम तुझे गोली मार देंगे तेरे पूरे परिवार को गोली से उड़ा देंगे वो हथियार भी ले रहा था कुछ और इस तरह धमकी देकर गया था और वो बोला कि यहाँ से निकल के जैसे हम कहें ऐसे करना है वरना हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सारे को उड़ा देंगे और लड़की हम सुबह सो रहे थे सुबह सुबह करीब 6 बजे करीब वो घर से उठते ही ऐसे नंगे पैर निकल गई सामने को वहाँ ये बाहर सद्दाम खड़ा था ये इसको जबरन वहाँ से उठा के लाया है और उलधन ला के फिर उलधन से कुछ लोग इसके साथ आए हैं और उन्होंने ला के इसे यहाँ मेरठ लाए हैं और उसके फिर बयान कराए जब मेरे साथ धोखा हुआ है उसे जबरदस्ती उठा कर ले गए सद्दाम ने धमकी दी थी कि तुझे जान से मार दूंगा उस पर लिवा मानने की वही बंदूक ले रहा था कि जान से मार देंगे तेरे सारे परिवार को तुझे जितने भी जेल में बंधा गया उन्हें सजा होगी तो तू भी जिंदी नहीं रहेगी तू यहाँ से निकल तुझे मैं निकालूंगा देखिए लड़की ने बयान बदला है घर वालों के दबाव में उसने पहला बयान दिया था घर वालों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पैसे का दबाव था जिसकी वजह से उन्होंने लड़की पर दबाव डाला इससे अंदाज़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी नीचाई के साथ राजनीति कर सकती है इससे पता चलता है कि देश के अंदर समाज को तोड़ने में नफरत फैलाने में भारतीय जनता पार्टी कहाँ तक जा सकती है कितना उन्हें देश से प्यार है कितना देश के लोगों से प्यार है मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को उन लोगों को जिन्होंने पैसा दिया उन लोगों को जिन्होंने ये मुद्दा बनाया उन लोगों को जिन्होंने इस लड़की से ज़बरदस्ती बयान दिलवाया उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जब हिंदुस्तान के संविधान में बालिक को पूरा अधिकार है तो फिर उस अधिकारों को राजनीतिक रूप से तो नहीं दबाया जा सकता है अगर उस लड़की ने कोई बयान दिए तो बयान लड़की ने अपनी सत्यता के आधार पर दिए होंगे और सरकार उस बयान के आधार पर कार्रवाई हम लोगों ने पहले भी कर रखा है ये सरकार प्रेम पे प्रतिबंध लगाने के पक्षधर नहीं है वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट लव जिहाद आवर सोल एजेंडा एज पुट बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया is love development. We are working for development and we will be continuously working for development till we achieve our goal because India has been bereft of any kind of development since long. हमारा जो महिलाओं का संगठन है अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति एडवा हमारा ही अकेला महिला संगठन था जिसने जा करके उस लड़की से मिलने का काम किया और उसके परिवार के लोगों से बातचीत की 9 अगस्त को जब काफ़ी हंगामा मचा हुआ था और सारी बातें लव जिहाद धर्मांतरण बलात्कार अपहरण सारी बातों पर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आग लगाने का काम किया जा रहा था उस समय हमने कहा था कि हमने पूरी बातचीत की है और इस लड़की से हमारी पूरी हमदर्दी है क्योंकि बहुत परेशान है लेकिन इसने जो बयान दिए हैं उनमें अंतर विरोध है विसंगतियाँ हैं और हमने मांग की थी कि प्रशासन को पूरे मामले की जांच करनी चाहिए ताकि किसी के साथ भी अन्याय न हो जब से ये घटना का पटाक्षेप हुआ है तब से उनके
परिवारजन उनसे क्रोधित रहते हैं और उन्होंने आगे यह भी व्यक्त किया है अपने प्रार्थना पत्र में कि इससे उनके जान को खतरा है। तो इसके पश्चात पुलिस के द्वारा इनको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कि वहां के सिटी मजिस्ट्रेट हैं उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया और वहां पर भी उन्होंने अपना जो स्टैंड है जो उन्होंने लिखित प्रार्थना पत्र में महिला थाना अध्यक्ष को दिया था वही स्टैंड उन्होंने वहां पर रीइटरेट किया है, वही बयान उन्होंने वहां पर दोहराया है। और इसको देखते हुए और उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत नगर मजिस्ट्रेट मेरठ के द्वारा कल ये निर्णय लिया गया है कि अग्रिम आदेशों तक इनको राजकीय महिला शरणालय यानी कि जो नारी निकेतन है मेरठ में, लाल कुर्ती एक स्थान है मेरठ का, वहां पर ये नारी निकेतन है, वहां पर उनको अगले आदेशों तक जो है भेजा गया है।